हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल अनुपम तिवारी 01 में आपका स्वागत है। हमारे प्रोत्साहन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री कृष्ण द्वारा कहे गए ज्ञानवर्धक अनमोल वचन श्रीमद् भगवद् गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है, जिसमें मनुष्य को जीवन, कर्म, ध्यान, शांति, सत्य, योग और सफलता के बारे में सभी महत्वपूर्ण विषयों को गहराई से जानने को मिलता है। जो ज्ञान किसी भी मनुष्य के जीवन में बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। श्रीमद् भगवद् गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने शिष्य अर्जुन को कुरुक्षेत्र में न केवल ज्ञान की बातें बताई, उसके साथ ही जीवन जीने की कलाओं के बारे में भी बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान गीता के ये उपदेश अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को दिए थे। गीता में दिए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश हमें धर्म के मार्ग पर चलते हुए अच्छे कर्म करने की शिक्षा देते हैं। कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। नर्क के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना होता है। धर्म केवल कर्म से होता है, कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा ही नहीं है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूँ। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, केवल वही आपके हाथ में है। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ, यह अहंकार है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करें। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है, उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है, वैसा उसका जीवन होता है। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी ना बनो। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। जब संसार में धर्म की हानि होगी, अधर्म की विजय, तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा। शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और न ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा ले, पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। जो बात सच पर आधारित हो, उसे करने या कहने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए।